वो दो परफ्यूम जो है ना, अल्लाह जाने गर्मी की वजह से बॉटल्स फट गई। 3 महीने के बाद मैं मेट्रो में बैठा, मजा आ गया यार। मैं अपने मोहल्ले आ चुका हूँ। वर्षा भाइयों, मैं एक ऐसी जन्नत वाली जगह पे खड़ा हुआ हूँ ना दुबई की, जो कि शॉपिंग वाले लोग जो होते हैं ना, यानी खवातीन। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। भाई आज हो गया है एक और भंड, पता नहीं क्या हो रहा है मेरी ज़िंदगी में। कल लिए थे हमने यूसुफ भाई से परफ्यूम, आपने देखा होगा लास्ट व्लॉग के अंदर, वो दो परफ्यूम जो है ना, अल्लाह जाने गर्मी की वजह से बॉटल्स फट गई। गाड़ी में भी सही रखी हुई थी, चारों टूटनी चाहिए थी, दो टूट गई हैं और दो सही हैं। अच्छा, यानी तकरीबन 120 और 210 दिरहम का मैंने नुकसान किया, मतलब 16-17 हज़ार रुपये का अभी तक मैंने नुकसान किया है। अब ये नुकसान कैसे हुआ है, क्या हुआ है, कुछ नहीं पता। तो खैर एनीवे, मैंने अभी बात की है उनकी टीम से, वो कह रहे हैं कोई मसला नहीं, आप आ जाएं, हम आपको दूसरी बना देंगे। तो देखें जी, क्या पता वो वैसे ही दे दें तो मज़ा आ जाएगा, लेकिन अभी तक भंड चल रहा है ज़िंदगी में। तो भाई मैं अभी निकल चुका हूँ घर से और मैं जा रहा हूँ यूसुफ भाई की दुकान पे, ताकि मेरे परफ्यूम चेंज हो सके। उसके बाद मैंने अपनी भांजियों से मिलने जाना है अपनी बहन के घर। और ग्रुप वालों की अपडेट ये है कि भाई आज हमारा था सिटी टूर, तो सिटी टूर पर हमने गाइड वगैरह के साथ सबके साथ रवाना कर दिया है हम लोगों को। तो आज वो सारा दिन घूमेंगे और उसके बाद फिर जो है कल हम जाएंगे इंशाल्लाह अल्लाह के घर उमरा करने के। वो जो एक्सपीरियंस है ना, वो बार बार होता रहे और ऐसा लगता है कि पहली दफ़ा हो रहा है। इंशाल्लाह आपको अपडेट करते रहेंगे। आफ्टर अ वेरी लॉन्ग मेट्रो में बैठने जा रहे हैं। वाह भाई वाह। कार्ड चेक कर लेते हैं कि इसमें कितने पैसे थे लास्ट टाइम हमने लगाया। और ये ओके जी, 26 दिरहम है ऑलरेडी, तो ज़रूरत नहीं है मेरे पे करने की। यार तकरीबन मैं कोई 3 महीने के बाद आया हूँ और 3 महीने के बाद मैं मेट्रो में बैठा, मज़ा आ गया यार। मतलब मेट्रो इज़ लव, ठीक है ना। मेट्रो यहाँ पे यूज़ करना ऐसा है जैसे आप मतलब अपनी ज़िंदगी को सुकून में डाल रहे हैं, भले आपके पास गाड़ी हो या ना हो, क्योंकि गाड़ी की पार्किंग और ये वो मसले अलग होते हैं यहाँ पे। एनीवे, तो मुझे सबसे सुकून वाला मेट्रो का ही लगता है सब। ओके भैया, तो ये होती है बेस्ट सर्विसेज, कस्टमर सर्विसेज। ये देखें, मैं यहाँ पे बोतल लाया, इन्होंने बताया और कहा कि कोई मसला नहीं सर, हम आपको दूसरी बना देंगे। और ये मेरा परफ्यूम तैयार हो रहा है। तो कौन सा है भाई ये, विच वन? टीप मस्क। भाई ये परफ्यूम आपने जो है ना ज़रूर ट्राई करना है। भाई हमजा भाई हैं और हमजा भाई हमें रीज़न बता रहे हैं कि क्या हुआ होगा, क्योंकि मुझे ये डर था कि यार मैंने कहीं गिराया नहीं है। तो सर बताएं क्यों फट जाती है बॉटल? कई बार दुबई में इस टाइम पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है और गर्मी इतनी ज़्यादा होती है, तो गैस बन जाती है बॉटल के अंदर। हम लोग जगह छोड़ते हैं कि गैस बन जाए, इतनी ज़्यादा बन जाती है कि वो फूट जाती है। इसलिए हम डायरेक्ट बोलते हैं कि आप लोग अगर घूमने कहीं जा रहे हो तो बॉटल्स यहीं रखे जाओ, जब डायरेक्ट घर जाओ तो ही लेके जाओ। आप घूमने तो गए होंगे यहाँ के बाद में। हम तो रात में थे, रात सुबह जब आए जी तो गाड़ी में, तो मतलब वो बाहर ही था गाड़ी में। अच्छा। तो भाई ये ख्याल रखना है आप लोगों ने कि गाड़ी में परफ्यूम नहीं छोड़ने। और ये दुबई है, यहाँ कस्टमर सर्विस बहुत अच्छी है। मुझे नहीं पता पाकिस्तान इंडिया में क्या होता, लोग बोलते कि नहीं भाई आपकी गलती है, लेकिन यहाँ इन्होंने कहा कोई मसले की बात नहीं सर, आप आ जाएँ, दूसरा देखें बना के दे दिया उन्होंने। तो भाई ये होनी चाहिए कस्टमर सर्विस पूरी दुनिया में। ओके जनाब, तो तकरीबन 3 महीने के बाद मैं अपने मोहल्ले आ चुका हूँ। वर्षा और बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ा सुकून मिल रहा है यार। यहाँ जो सुकून है ना भाई, सुकून से मरा जो हमें सैडली पाकिस्तान में नहीं मिलता, जो दुबई में मिलता है ना या दूसरी कंट्रीज में मिलता है, तो उसकी बात कर रहे हैं। एनीवे, तो भाई बहुत एक्साइटेड हूँ मैं और सारी यादें जो है ना मेरी दोबारा से ताज़ा हो गई है, क्योंकि आप इतने दिनों के बाद आओ ना तो आपको लगता है कि यार मतलब बहुत अजीब सा लग रहा होता है। एनीवे खैर, तो बस बच्चों से मिलने जा रहा हूँ अभी, भांजियों से, वेट कर रही हैं काफ़ी देर से। भाइयों, मैं एक ऐसी जन्नत वाली जगह पे खड़ा हुआ हूँ ना दुबई की, जो कि शॉपिंग वाले लोग जो होते हैं ना, यानी ख्वातीन, उनके लिए मैंने एक जगह ढूंढ ली है भाई। इसका नाम है ग्रीन हाउस, या आपने सर्च कर लेना कहाँ पे मिलेगी। और यहाँ पे जो वैरायटी, स्पेशली वैरायटी और सस्ता तरीन क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ब्रांडेड लेवल की, लेकिन एक आम आदमी जो है ना अच्छे से कैरी कर सकता है, इतनी ज़बरदस्त क्वालिटी है, पाकिस्तान में आपको यूजुअली नहीं देखने को मिलती। तो भाइयों सीन ये है कि भाई आपने यहाँ पे आना है और शॉपिंग कर ली, तो ये मैंने सोचा कि यार आप लोगों की थोड़ी सी हेल्प भी हो जाएगी और अवेयरनेस भी हो जाएगी कि भाई कहाँ कहाँ के गुप्त ऐसी चीज़ें हैं जो मैं शॉपिंग की और निकाल सकता हूँ, तो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा इंशाल्लाह। तो जनाब मैंने इस वक्त ठीक ठाक शॉपिंग की है और मेरे सिर्फ 200 दिरहम जो है ना वो खर्च हुए हैं। तो ग्रीन हाउस में मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपके बच्चों की कपड़े, बच्चों की सारी जो है ना अपैरल्स की वैरायटी, खाने पीने का सामान, क्रॉकरी से लेके ईच एंड एवरीथिंग जो आपको एक हाइपर मार्केट में मिलता है ना भाई, तो आप ये ज़रूर एक बार कंसीडर कीजिएगा और यहाँ पे आके फिर अपना फीडबैक दीजिएगा कमेंट्स में आगे कि भाई आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो भाई
असल चीज़ होती है वैरायटी। देखिए क्वालिटी एक अलग चीज़ है, वैरायटी होना ज़रूरी है। वैरायटी अगर क्वालिटी हल्की भी है ना और वैरायटी अच्छी है तो लोग कंसीडर करते हैं उस ब्रांड को। तो यहाँ पे दुबई में आपको एक बेनिफिट ज़रूर मिलेगा, जितने भी आउटलेट्स हैं ना उसमें आपको वैरायटी बहुत अच्छी मिलेगी। मतलब ऐसे ऐसे ऑप्शन होंगे कि आप बोलोगे अरे ब्रो ये क्या है। तो जनाब मैं इस वक्त आ चुका हूँ अपने रूम में, और आज का दिन मुझे बहुत थका देने वाला था क्योंकि मैं बहुत पैदल चला हूँ। पहले गोल्ड सुक गया, फिर वहाँ से मॉल ऑफ द एमिरेट्स, मतलब फिर वहाँ से अपनी बहन के घर, तो बहुत चला हूँ आज मैं हद से ज़्यादा। लेकिन अल्लाह बस कल के लिए हिम्मत जो है ना वो बरकरार रखे, क्योंकि कल का दिन बड़ा ही एक जो है ना मज़े का दिन है और मुशक्क़त वाला दिन है, जो कि एक पॉजिटिव मुशक्क़त है, ठीक है ना। लेकिन क्या है कि इसके लिए आपको एनर्जी बरकरार रखनी चाहिए, आपकी ज़िम्मेदारी होती है ताकि आप अपने सारे अरकान जो है ना उम्रे के वो बहुत अच्छे से कर सकें। तो भाई अगर आप लोगों ने उम्रे पे आने का फैसला कर लिया है ना, तो भाई आलीशान ट्रैवल्स की डिटेल्स नीचे मौजूद हैं, आप हमें मौका दें, हमारी सर्विसेज इंशाल्लाह आप इंजॉय करेंगे और आप फिर बोलेंगे कि भाई आपके ट्रैवल का सीन आलीशान है। तो मिलते हैं आपसे कल, थैंक यू।